बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और हर दिल अजीज जैकी श्रॉफ को आपने बीड़ू बोलते हुए खूब सुना होगा। वो फिल्मी पर्दे से लेकर आम जिंदगी में भी इस शब्द का खूब इस्तेमाल करते हैं। बहुत संभव है कि आप भी उनसे प्रेरित होकर इस शब्द का इस्तेमाल करने लगे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि अब ऐसा करना आपको कानूनी पचड़े में डाल सकता है। दरअसल एक्टर के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के तहत बीड़ू शब्द के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्थानों के खिलाफ केस भी किया है। जैकी दा ने 14 मई को हाई कोर्ट में उनकी सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीरों, आवाज और बीड़ू शब्द के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए कई संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। वहीं लाइव एंड लॉ के मुताबिक जैकी श्रॉफ की याचिका पर 15 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत के समक्ष दायर ये मुकदमा 14 मई के डिजिटल युग में सेलिब्रिटी राइट्स को लेकर महत्वपूर्ण है। जैकी श्रॉफ ने ये केस ऐसे समय किया है जब इससे पहले अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर ने भी ऐसे ही व्यक्तित्व अधिकार की रक्षा के लिए कानूनी रास्ता अपनाया था। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि बीड़ू एक मराठी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब जोड़ीदार से है। वहीं पिछले सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनिल कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इसमें विभिन्न संस्थानों को उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उनकी तस्वीर, नाम, आवाज और उनके व्यक्तित्व से जुड़े झकास शब्द के दुरुपयोग पर रोक लगाई थी। वहीं अनिल कपूर ने कोर्ट से उनकी सहमति के बिना उनकी फोटो, उनके नाम, उनकी संक्षिप्त नाम, उनकी आवाज या उनके फिल्मी किरदारों जैसे लखन, मिस्टर इंडिया, मजनू भाई, नायक और झकास के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि उन्होंने AI, डीपफेक, कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स, CGI आदि सहित किसी भी तकनीक के लिए उपयोग से सुरक्षा की मांग की थी। एक्टिविटी कानूनी टीम ने तब अदालत में 44 ऐसे लिंक सौंपे थे जिसे अदालत ने ब्लॉक करने का आदेश दिया था। वहीं बता दें कि इससे पहले अमिताभ बच्चन ने भी ऐसी ही अर्जी दी थी। इसमें एक ज्वेलरी कंपनी को प्रचार के लिए उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग करने से रोकने के लिए कहा गया था। कंपनी ने प्रचार में अमिताभ बच्चन से मिलती जुलती आवाज का इस्तेमाल किया था। आपको क्या लगता है, क्या बड़े सितारों के साथ इस तरीके का व्यवहार सही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।